फ्रेंड, आज हम आगरे की मशहूर मिठाई पेठा बनाने जा रहे हैं, जो कि हम घर में ही बनाएंगे और बहुत ही इजी मेथड से बनाएंगे। इसे बनाने के लिए मैंने कम से कम ये 1.5 किलो का कद्दू ले लिया है। ये भूरा कद्दू कहलाता है, इसे भूरा फूल भी कहते हैं। तो आज हम इसे घर पर ही बनाएंगे बहुत ही इजी और आसान मेथड से। इसे लेते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कच्चा नहीं हो। इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये ऊपर से वाइट हो चुका है, ज़्यादा हरा नहीं हो, तो वो पेठा बनाने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ मैंने इसे कट कर दिया है और अब हम इसके ये जो सीड्स हैं, बीजे हैं सारे, इन्हें निकाल देंगे और इसका ये जो नरम पार्ट है वो भी निकाल देंगे, छिलके निकाल कर, और इसे अच्छे पीसेस साफ़ सुथरे बराबर एक जैसे पीसेस में इसे काट लें। हाँ, मैंने इन्हें दो तरह के पीसों में कट कर लिया, एक तो रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल। अब हम इसे फॉक की सहायता से गोद के और इसे चूने के पानी में कम से कम 6-7 घंटे तक भिंगो के रखेंगे। मैंने एक भगोने में पानी ले लिया है और अब इसमें मैं 1 चम्मच चूना डाल के और ये जितने भी पीसेस हैं सारे पीसेस इसमें धीरे धीरे डालती जाऊंगी। मैं चूना डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। छः 7 घंटे मैंने इसे चूने के पानी में रख दिया था। 6-7 घंटे हो चुके हैं और अब मैंने इसे बहुत अच्छे से साफ़ पानी से 2 बार धोकर और बॉईल करने के लिए रख दिया है। कम से कम 2 लीटर पानी लिया है मैंने इसके लिए और ये 20 मिनट तक मैं इसे बॉईल कर लूँगी। इसे 20 मिनट तक मैंने बॉईल कर लिया है। अब इसे मैं यहाँ पानी में से निकाल कर प्लेट में रख लूँगी। करने के बाद मैंने ठंडे पानी में डाल दिया है। अब हम इसे निकाल कर और इसे हम निकालेंगे और फिर इसे शुगर की चाशनी बनाकर उसमें डालेंगे। मैंने इसे इन्हें निचोड़ कर सारा पानी निकाल दिया है। अब 3 पाव के करीब मैं इसमें शुगर डाल कर रख दूँगी। दस मिनट के लिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी ढककर, जितना भी इसमें से पानी रिलीज़ होना होगा वो हो जाएगा। उसके बाद हम इसे गर्म कर लेंगे, पका लेंगे मतलब। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो पेठों ने पानी छोड़ दिया है और शुगर उसमें मिक्स हो गई है। अब हम इसको थोड़ी देर पका लेंगे जब तक ये अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। चाशनी के गाढ़े होने तक हम इसे पकाएंगे। चाशनी में से निकाल कर अब मैंने इन्हें छलनी में रख दिया है ताकि इनका जितना भी जूस है चाशनी है वह निथर जाए। फिर हम इसे पंखे की हवा में रख देंगे और मैंने इसमें इलायची भी डाल दी थी ताकि इसका टेस्ट और अच्छा लगे। आप कुछ भी ऐसे और जो भी आप चाहें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एसेंस डाल सकते हैं। और ये हमारे पेठे तैयार हो चुके हैं, इन्हें हम हवा में रख देंगे, पंखे की हवा में रखेंगे थोड़ा टाइम, तो ये और ज़्यादा समय तक चल जाएंगे।